तो प्यारे बच्चों, एक दिन क्या हुआ, एक नन्ही परी को शहद की मक्खियों ने काट लिया। वो शहद के छाते के करीब गई तो बहुत रो रही थी। रिबोट डॉक्टर ने उसके सारे डंग निकाल दिए। बाजुओं से पहले लेफ्ट से, राइट से, फिर उसके चीक से, गाल पे, वहाँ भी काटा था उन्होंने। बहुत रो रही थी बेचारी। फिर उसके गाल से भी निकाल दिया कांटा। उसके बाद से उसकी टांगों पे भी काटा हुआ था, टांगों से भी उसके डंग निकाल दिए। दोनों टांगों से भी डंग निकालने के बाद Let's make soapy water together. सोप लिया, सोप के छोटे टुकड़े किए साबुन के, साबुन के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टुकड़े किए। उसको टब में डाला, एक एक करके सारे टुकड़े टब में डाल दिए। उसके बाद उसमें पानी डाला, पानी डाल के सोप को अच्छी तरह टब में मिक्स किया। टब में मिक्स करने के बाद वो एक मिक्सचर बन गया। तो बच्चों, फिर उस मिक्सचर में उसने एक स्पंज को डाला। स्पंज के साथ मिक्सचर को लगा के अच्छे से बाजू को वॉश किया। उसमें मेडिसिन भी डाली, मेडिसिन के साथ अच्छे से वॉश किया तो उसे कुछ सुकून आया। उसके टांगों पे भी डसा हुआ था, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद उसने टांगों पे भी वॉश किया, लेफ्ट टांग पे, फिर राइट टांग पे, दोनों पे, दोनों टांगों पे वॉश किया। वॉश करने के बाद बर्फ ली, बर्फ का टुकड़ा लिया और जहाँ उसको स्वेलिंग हुई थी, सूजन हुई थी, सूजन वाली जगह पे लगाई, उससे उसकी दर्द खत्म होने लगी। उसके माथे पे भी काटा हुआ था, माथे पे भी आइस लगाई, बर्फ लगाई, बर्फ की टुकड़ियाँ लगाई, हैंड पे भी लगाई, कलाई पे भी लगाई, फिर उसकी टांग पे भी लगाई, बाईं टांग पे लगाई। फिर एक एक करके उसके सूजन वाली जगह सही होने लगी। फिर दूसरी टांग पे भी लगा दी, से बर्फ के टुकड़ों से सूजन खत्म होगी। तो बच्ची बहुत खुश हुई, बोली थैंक्स। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।